मॉर्निंग क्लास, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट के साथ में जुड़े रहें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है आपके पास में कि px और gx दो पॉलिनोमियल गिवन है, px पॉलिनोमियल में gx से डिवाइड करें एंड रिमाइंडर क्वोशेंट के बारे में बताएं कि क्या होगा। ठीक है, तो आइए डिवाइड करते हैं, px में gx से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए पहले क्या करते हैं बच्चों, इसे हम लोग अरेंज करते हैं ascending order मतलब descending order में, highest power उसके बाद में lowest power and so on। तो highest power x की power 3 minus 3x square plus 5x minus 3 already मेरे पास में descending order में है। अब इससे divide करना है, let's say this is x square minus 2, there is x cube and there is x square, so what to do right here, x cube divided by x square and x square will cut x cube and x will remain। तो मेरे पास में यहां पर क्या होगा, x लिखेंगे। तो यहां पे क्या सर, x square into x will be x cube minus 2 into x, this will be minus 2x। तो x वाले के सामने में लिखेंगे, minus 2x आया, x वाला मेरे पास में ये है, तो यहां पे मैंने इसके सामने लिख दिया minus of 2x। let's subtract now, minus sign तो plus sign, ये दोनों cancel out हो जाएंगे। अब ये देखो, ये x square वाला टर्म नीचे की तरफ आएगा, ये होगा मेरे पास में minus 3x square, 5x plus 2x, this will give us plus 7x, और इसे मैंने नीचे as it is लेके आया, this will be minus of 3, इसका sign ऊपर वाले का sign change नहीं करना है, ठीक है सर? आइए, अब देखो यहाँ पर क्या है, कि इसकी degree कितनी है इस पूरे की, degree 2, इस remainder जो बचा इसकी degree कितनी है, इसकी degree भी 2 है, इसका मतलब दोनों की degree equal है। हमें और डिवीजन करना पड़ेगा, यस और डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं कि -3x हो जाए, -3x स्क्वायर हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे सर, -3x स्क्वायर को यहां लिखा डिवाइड बाय ये जो आपके पास लिखा हुआ x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ये बचा हमारे पास में minus of 3, सो देयर विल बी minus of 3, तो ये होगा आपके पास में -3x स्क्वायर minus 2 into minus 3, this will give us plus 6, तो नंबर के पास में यहाँ पे लिखूंगा, इसके बाद देखें, minus 2, यहाँ पे minus 3, तो minus into minus plus होगा, plus 6 हुआ हमारे पास में, तो मेरे पास में ये नंबर है, नंबर के सामने लिखूंगा यहाँ पे आपके पास में plus of 6, इसे subtract कर देंगे, तो ये क्या होगा, इसका sign change करेंगे, this will be plus and this will be minus of, ये दोनों cancel out होगे, बचा क्या मेरे पास में 7x, यहां से मैं लिखूंगा as it is 7x, यहां पे कितना होगा बच्चों minus of 9, तो बताओ इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 1, देखो यहां पर डिग्री आपके पास में कितना बचा सर, डिग्री इक्वल्स टू 1, इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास में, डिग्री इक्वल्स टू 2, अब यहां पे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये मेरा रिमाइंडर हो गया, ये हो गया आपके पास में cosec, तो यहां से लिख देंगे रिमाइंडर जो आया आपके पास में, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 7x minus of 9, और आपके पास में cosec जो आया आपके पास में, cosec is equals to x minus 3, ठीक है सर? Yes, next question की बात करते हैं, same आपके पास में given है कि px में gx से divide करना है और remainder find out करना है, तो क्या करेंगे सर यहाँ पे, देखेंगे इसमें, first of all x के descending power को लिखूंगा, x का highest power पहले, yes, write down x to the power 4, उसके बाद में power 3, power 3 present नहीं है, तो power 2 वाले को लिख दे, this is 3x square, पावर 1 यस प्लस 4x प्लस 5 डिवाइड करना है किससे, यस इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा, हाईएस्ट पावर कितना 2, दिस इज x स्क्वायर, उसके बाद में पावर 1 होना चाहिए x पे, तो ये है, तो यहां पर माइनस x लिखूंगा, दिस विल बी माइनस ऑफ x, लास्ट में आपके पास में प्लस 1, x स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करूं कि x की पावर 4 हो जाए, ये लाने की कोशिश करने के हमेशा, तो x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, दिस विल बी x की पावर 4, इस माइनस से इस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, दिस विल गिव अस माइनस x क्यूब, क्या यहां पर माइनस x क्यूब वाला टर्म है सर, नो, तो इसको एज इट इज मैं यहीं पे लिख देता हूं, दिस विल बी माइनस ऑफ x क्यूब प्लस 1 को x स्क्वायर के साथ में, दिस विल गिव अस प्लस x स्क्वायर, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस इसका साइन चेंज प्लस यहां पे माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, अब यहां पर देखो ये x क्यूब वाला है,
ये एक्स स्क्वायर है, दोनों को साथ में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? तो एक्स क्यूब को पहले लिखूंगा, दिस इज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाला ये, एक्स स्क्वायर वाला ये, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी माइनस फोर एक्स स्क्वायर, लास्ट में बचा आपके पास में फोर एक्स एंड फाइव। चलो इस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करो कि एक्स क्यूब हो जाए, कि इसके डिग्री टू, इसका पावर थ्री, कितना पावर सर आपके पास में, एक पावर ज्यादा है, एक पावर आपके पास में ग्रेटर है, तो एक एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है सर? यस, दिस विल बी एक्स क्यूब, इस एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के सामने में दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस एक्स, दिस विल बी प्लस एक्स। चलो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, साइन चेंज, प्लस साइन माइनस साइन, प्लस साइन माइनस साइन, ये दोनों कैंसिल आउट, ये बचा हमारे पास में माइनस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर, ये बचा प्लस ऑफ थ्री एक्स, एंड लास्ट में आपके पास में प्लस फाइव। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाए, सर एक्स स्क्वायर है ही, एक्स स्क्वायर है ही, इसका कोफिशियंट वन, इसका कोफिशियंट माइनस थ्री, तो वन में कितना मल्टीप्लाई करोगे माइनस थ्री हो जाए, माइनस थ्री, तो आइए माइनस थ्री लिखेंगे यहां, नेक्स्ट में माइनस ऑफ थ्री, दिस विल गिव अस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा, पास वाला भी करेगा होगा, तो माइनस एक्स इंटू माइनस थ्री, दिस विल गिव अस प्लस ऑफ थ्री एक्स, लास्ट में प्लस वन माइनस थ्री, दिस विल गिव अस माइनस ऑफ थ्री। चलिए सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, ऊपर में प्लस थ्री एक्स, नीचे माइनस थ्री एक्स, तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, प्लस फाइव प्लस थ्री, दिस विल गिव अस एट। रिमाइंडर बचा मेरे पास में कितना सर, तो लिखेंगे यहां से, दिस इज आवर रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 8, और क्वेश्चन कितना है सर, कोसाइन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ 3, ठीक है सर? यस, नेक्स्ट की बात करते हैं आप लोग, थर्ड क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो, वेरी इजी, थर्ड क्वेश्चन आपके पास में है, ठीक है? यस, अब इसमें आपके पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, ये जो दो पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं जिसका वेरिएबल टी है, तो क्या पहला वाला पॉलिनोमियल दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है क्या? आइए मैं दोनों पॉलिनोमियल लिखता हूं यहां पर, फिर उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज टी स्क्वायर माइनस थ्री, एंड अनदर वन इज दिस इज टू टी की पावर फोर प्लस थ्री टी क्यूब एंड माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व। ये पूछ रहा है आपको कि सर दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो एक नंबर से सोचते हैं, नंबर से सोचते हैं, जैसे मैंने लिखा आपके पास में 12, 12 को क्या लिख सकता हूं सर, मैंने लिखा आपके पास में 3 इंटू 4, क्या 3 और 4 12 का फैक्टर है? यस, इट मींस कि 3 और 4 इसका फैक्टर है, तो 3 से इसमें डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना होगा, 0, 4 से इसमें डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना होगा, 0, यस, देन बोथ विल बी द फैक्टर ऑफ दिस, यस। यहां पे भी अगर मैं इस पॉलिनोमियल से इसमें डिवाइड करूंगा, अगर मेरे पास में रिमाइंडर विल बी 0, देन दिस पॉलिनोमियल विल बी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। Getting my point? ये same logic यहाँ पे apply करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे if इस पूरे को अगर आप चाहो कि अगर PT assume करना तो PT ले लो। इसको मैंने कह दिया आपके पास में QT। ठीक है सर? Yes. If PT is divided by QT, when PT is divided by QT, if remainder is equal to 0, then QT will be the factor of PT. PT का factor होगा, तो चलो divide करते हैं PT, PT को लिख लेते हैं यहां से, let's write here 2T की power 4, power 4 then 3, 3T cube minus 2T square minus 9T minus 12 divided by t square minus 3। अब कैसे डिवाइड करते हैं सर? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे पकड़ते हैं,
और इसे इसका फर्स्ट टर्म, इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हो इसकी पावर 2 है, इसका पावर 4 है, कितना ज्यादा 2 ज्यादा, पावर कितना ज्यादा 2, इसका मतलब यहां पर मुझे ts बार लगाना पड़ेगा, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 2, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाए सर 2, यहां पे मैं लिखूंगा 2, सही है सर। डायरेक्ट सोच सकते हैं, अगर इस तरह से आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आप क्या करोगे कि फर्स्ट टर्म उसका क्या है सर 2t की पावर 4 डिवाइडेड बाय वहां पे ts स्क्वायर, t स्क्वायर ने t की पावर 4 को काट t स्क्वायर टाइम्स में एंड दिस विल गिव अस 2t स्क्वायर, देखो 2t स्क्वायर आ गया। तो चलो लिख लेते हैं यहां से 2t की पावर 4 माइनस 3 एंड प्लस 2t स्क्वायर, तो माइनस इनटू प्लस माइनस, सही है नंबर माइनस में आएगा, 3 into 2 6 एंड t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर, t स्क्वायर के सामने लिखूंगा दिस इज माइनस 6t स्क्वायर, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस प्लस साइन है माइनस, माइनस साइन का प्लस में, इसे एज इट इज यहां से लिखूंगा दिस इज 3t क्यूब, दिस विल गिव अस 4t स्क्वायर एंड दिस विल बी माइनस ऑफ 9t माइनस 12। अब चेक करते हैं फिर से इसका फर्स्ट टर्म क्या है सर आपके पास में 3t क्यूब, यहां पे कितना है t स्क्वायर सर, इसके पावर से इसका पावर कितना ज्यादा 1 ज्यादा, इसका मतलब यहां पे लिखूंगा मैं t, साइन कुछ भी नहीं लिख रहा, ध्यान दे रहा यहां पे 1 है, यहां पे कितना है सर 3, 1 में कितना मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाए सर 3 मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 3 प्लस, सो यहां पर कितना होगा दिस विल बी 3t क्यूब, इधर वाले ने हंगामा किया माइनस 3 इनटू 3t माइनस 9t, इसके सामने लिखा 9t एंड सबट्रैक्ट कर लेंगे, ये माइनस ये आपके पास में प्लस, दोनों सबट्रैक्ट कैंसिल आउट हो गया, सही है सर यस। चलो अब यहां से मैं दूसरी साइड लिखता हूं, नीचे विजिबल नहीं है, लेट्स राइट हियर, सो रिमाइंडर विल बी 4t स्क्वायर एंड देयर ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, बचा आपके पास में माइनस ऑफ 12, सही है सर यस। किससे डिवाइड करना है आपको, डिवाइड करना है t स्क्वायर माइनस 3 से। अब बताओ t स्क्वायर इसका टर्म 4t स्क्वायर, इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा, दोनों की पावर का डिफरेंस 0, सही है सर, इसमें अगर 4 मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाएगा दिस इज प्लस 4, तो ये हो गया आपके पास में 4t स्क्वायर माइनस इनटू प्लस माइनस 3 इनटू 4 12, सबट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज दो कैंसिल आउट हो गए, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया यस, तो लिखेंगे हियर हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, इट मींस qt इज इक्वल टू आपके पास में t स्क्वायर माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ आप एग्जाम में इस तरह से लिख लोगे, ठीक है सर, फैक्टर ऑफ pt, मैं pt नहीं लिख रहा हूं, ठीक है pt वो आपके पास में है, कॉपी कर ले इसे। नेक्स्ट की बात करते हैं, यस इसमें दो क्वेश्चन और गिवन है जिसे कि आप लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं सर वेरी इजीली, ठीक है, अगर रिमाइंडर मेरे पास में 0 नहीं होगा तो वो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, अगर चाहो तो मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर में थर्ड क्वेश्चन करता हूं, थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पॉलिनोमियल इज, फर्स्ट पॉलिनोमियल आपके पास में गिवन है, लेट्स राइट हियर x cube minus 3x and plus 1, दूसरा पॉलिनोमियल गिवन है दिस इज x की पावर 5 minus 4x cube plus x square, उसके बाद में plus 3x plus में 1, सही है सर यस। अब बाद वाले पॉलिनोमियल में ये कह रहा है इसका क्या ये फैक्टर है, फिर से वही लॉजिक लिखेंगे यहां पे यस, मैं नहीं लिखने जा रहा हूं, अगर आप इसको अगर लिखना चाहो तो इसे लिख दो, आपके पास में क्यूब एक्स है, ये आपके पास में क्या होगा सर दिस इज आवर पी एक्स, अगर मैं पी एक्स में मैंने क्यूब एक्स से डिवाइड किया, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आर एक्स इज इक्वल टू 0 देन क्यू एक्स विल बी फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन क्यू एक्स विल बी इधर लिख देगा हूं, देन क्यू एक्स विल बी फैक्टर ऑफ पी एक्स will be factor of px, सही है सर, आइए डिवाइड करते हैं यहां से, तो ये क्या है चलो लिख लेते हैं, x की पावर 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1, सही है सर यस, चलो सब
डिवाइड कर रहे हैं यहां से, किससे डिवाइड कर रहा हूं, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से। अब चलो सोचते हैं इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x की पावर 5, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, x की पावर 3, यहां पे भी प्लस यहां पे भी प्लस, कोई दर्दनाक कहानी नहीं, इसका पावर 3 इसका पावर 5, कितना पावर ज्यादा, 2 पावर ज्यादा है ना। इट मींस यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर, x क्यूब एंड x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, दिस विल गिव अस x की पावर 5। बगल वाले ने हंगामा किया, इसे भी मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा सर, माइनस 3x क्यूब प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, दिस विल गिव अस प्लस x स्क्वायर, लेट्स सब्सट्रैक्ट इट, दिस विल बी माइनस प्लस एंड माइनस, इसे सब कैंसिल आउट हो गया, ये कितना होगा, माइनस 4x क्यूब एंड दिस इज प्लस 3x क्यूब, दिस विल गिव अस माइनस ऑफ x क्यूब, दिस विल कैंसिल आउट, ये बचेगा मेरे पास में प्लस 3x प्लस 1। अब सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, देखते हैं इस x के पास क्या है, x की पावर 3, यहां पर x की पावर 3, इट मींस मुझे x से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं, दोनों का पावर क्या है, सेम। x क्यूब में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस x क्यूब हो जाए, माइनस, इट मींस मुझे माइनस 1 यहां पर लिखना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया सर, दिस इज माइनस ऑफ x क्यूब, माइनस 3x माइनस 1, दिस विल गिव अस प्लस 3x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो इसे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा आपके पास में प्लस माइनस एंड दिस विल गिव अस प्लस, कैंसिल आउट, रिमाइंडर बचा आपके पास में, अगर रिमाइंडर बच गया मेरे पास में, इट मींस दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ ए, सही सर, यहां से मैं लिखूंगा हियर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, आप चेक कर लेना कि रिमाइंडर सच में सही टू आ रहा है या नहीं आ रहा, कहीं मिस्टेक तो नहीं किया यहां पर, माइनस 1 तो नहीं था, लेट मी चेक हियर वन मोर टाइम, नहीं आपके पास में प्लस है, ठीक है बच्चों, यस, इसका मतलब ये हुआ हियर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 2 व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो px qx is not the factor of px, px का फैक्टर नहीं, सही सर, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, आप ट्राई करोगे खुद से, सही सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज कॉपी इट, यस, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपको हो तो मैं इसे करा देता हूं, ठीक है बच्चों, यस, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस, इस तरह के क्वेश्चन हमने दो दो क्वेश्चन पहले हमने कर चुके हैं, दो दो क्वेश्चन हमने करा ऐसा, ठीक है, यस, और एक्सरसाइज आपके पास में 2.4 में भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास में 4th में, ठीक है, यस, तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर चाह रहे हो तो मैं करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चलो लिखते हैं, कॉपी कर ले आपने, यस, क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है टू ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ, ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ, ऑल जीरोस ऑफ, ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इफ टू जीरोस आर, दो जीरोस हमारे पास गिवन है, फर्स्ट वन इज 5.3 एंड दूसरा माइनस ऑफ 5.3, ठीक है सर, यस, अब देखो सर क्या होगा मेरे पास, ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्या है सर आपके पास, बाइक्वाड्रेटिक, क्यों सर, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इज इक्वल टू 4, अगर 4 डिग्री होंगे तो कितने जीरोस, 4 जीरोस, अगर 4 जीरोस होंगे तो कितने लीनियर फैक्टर, 4 लीनियर फैक्टर होंगे हमारे पास, ठीक है सर, यस, तो देयर विल बी 4 लीनियर फैक्टर, यस, तो मैं यहां से लिख देता हूं डिग्री 4, देयरफॉर 4 लीनियर फैक्टर, ठीक है सर, उसमें से 2 जीरो मालूम, वी नो अबाउट 2 जीरोस, यस, वी नो अबाउट 2 जीरोस, इट मींस एक x की वैल्यू आपके पास में है, x इज इक्वल टू 5.3, तो इसके करस्पॉन्डिंग पे फैक्टर क्या होगा, फैक्टर करस्पॉन्डिंग इट विल बी इसके करस्पॉन्डिंग, तो x माइनस 5.3 एक फैक्टर होगा, प्लस वाला होता है तो माइनस में लिखते हैं, यस,
उसके बाद अनदर रूट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/√3 सो फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग विल बी एक्स प्लस रूट 5/3 इस बाइक्वाड्रेटिक के 4 लीनियर फैक्टर्स होंगे तो यहां पर मैं लिखता हूं दिस इज 3x^4 प्लस में 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 लीनियर फैक्टर जिसमें से दो फैक्टर आपको मालूम है फर्स्ट फैक्टर इज x माइनस 5.3 रूट अनदर फैक्टर इज x प्लस 5.3 दो मालूम नहीं है ये भी कुछ ना कुछ होगा ये आपके पास में क्या होगा लीनियर होगा ये भी क्या होगा बच्चों लीनियर होगा लीनियर इनटू लीनियर क्या देता है हमारे पास में ये क्वाड्रेटिक होगा क्या होगा क्वाड्रेटिक होगा हाँ अगर मुझे ये क्वाड्रेटिक मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि इसके फैक्टर कर लूंगा क्वाड्रेटिक के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सही है सर अगर फैक्टर मिल गया इसका मतलब है कि इसके जीरोस फाइंड आउट कर लूंगा सही है सर यस तो इसको एज्यूम कर लो लेट दिस क्वाड्रेटिक बी लेट्स राइट जी एक्स क्या लिख दिया सर मैं जी एक्स इसको gx लिखूंगा इसकी जगह पर gx तो क्या होगा सर देखो दिस कैन बी रिटन एज 3x^4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इक्वल्स टू इसको देखकर भी किसकी याद आ रही है किस फॉर्मूले की याद आ रही है सर a माइनस b इनटू a प्लस b हाँ क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो चलो पुट कर लेते हैं तो कितना होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट मींस 5/3 एक फैक्टर मिल गया मेरे पास दूसरा कौन होगा सर क्वाड्रेटिक इसको क्या माना है जी एक्स एज्यूम करना है अब बताओ जी एक्स मुझे फाइंड आउट करना है जी एक्स के साथ में यह मल्टीप्लाई है मुझे जी एक्स चाहिए जी एक्स को मैंने पकड़ लिया मैंने इसको पूछा तुम क्या कर रहे हो जी एक्स के साथ इसने कहा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैंने कहा मुझे जी एक्स चाहिए इसने कहा इसको भेजो तो इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में इसे क्या करूं डिवाइड करूंगा तो ये होगा आपके पास में 3x^4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू gx इधर क्या इससे डिवाइड ओके सर x² माइनस 5/3 तो gx के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इस पॉलीनोमियल में इससे डिवाइड करना पड़ेगा लेट्स डिवाइड ठीक है सर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इसे तो आइए डिवाइड करते हैं इसे जैसे डिवाइड करते थे और जो gx का फैक्टर होगा वही फैक्टर क्योंकि gx को दो लीनियर पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं यस देखो मैंने gx दो लीनियर पार्ट में ब्रेक था और ये किसका फैक्टर था उसी पॉलीनोमियल का फैक्टर था सर आइए डिवाइड कर लेते हैं यहां से Yes, so this can be written as 3x^4 plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5 divided by this is x² minus 5/3 है ना डिवाइड करते हैं तो यहां पर देखो सर x^2 x^4 कितना पावर ज्यादा x² 2 पावर ज्यादा है यस तो यहां पर मैंने लिख दिया x² इसका कोफिशिएंट देखो 1 इसका कोफिशिएंट कितना सर 3 तो कितना 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दिस विल बी 3 तो यहां पे लिखूंगा दिस इज 3x^4 अब देखो बगल वाले ने कर दिया हंगामा इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या लिख सकते हैं सर दिस कैन बी रिटन एज -5/3 * 3x² 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया क्या बचा बताओ ना सर -5x² चलो x² के सामने लिखेंगे -5x² यहां पे दिस विल बी -5x² लेट्स सबट्रैक्ट इट माइनस साइन चेंज प्लस दिस विल गेट कैंसिल आउट ये क्या बचेगा यहां से ये +5x² दिस इज माइनस दोनों अपोजिट साइन है बड़े वाले में से छोटे वाले को सबट्रैक्ट कर लिया दिस विल बी 3x² ये एज इट इज कॉपी होगा दिस इज 6x³ प्लस साइन वहां से मैंने -10x को ले लिया -5 को ले लिया ठीक है सर यस अब सोचते हैं यहां पे इसे मिटा दो यस इसका पावर x² यहां पे x³ कितना पावर ज्यादा एक पावर ज्यादा इसका मतलब ax आएगा मेरे पास में 1x आएगा इसका कोफिशिएंट 1 इसका कोफिशिएंट 6 मींस 1 में क्या मल्टीप्लाई करो 6 आए 6 दिस इज +6
सही है सर? यस, तो ये होगा आपके पास 6x³। इसके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेट्स मल्टीप्लाई हियर 5/3 × 6x, 3 से 2 टाइम्स में दिस विल बी माइनस ऑफ 10x। इसका मतलब क्या लिखो सर यहां पे, माइनस ऑफ 10x, x वाले के सामने दिस इज माइनस ऑफ 10x, सबट्रैक्ट कर लेंगे माइनस प्लस, इसे एज इट इज कॉपी करूंगा, दिस विल बी 3x², ये दोनों कैंसिल आउट, यहां से बचा -5। बताओ ना सर क्या करूं? हाँ, इस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x² हो जाए? सर प्लस 3 मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3 मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया 3x², इसको भी मल्टीप्लाई -5/3 × इससे मल्टीप्लाई करो 3 से, क्या बचा -5, तो यहां पर -5 है ना सर? यस, तो देखो आपके पास में क्या होगा, रिमाइंडर माइनस माइनस प्लस, रिमाइंडर हो गया 0। इसका मतलब है कि वो जो है इसका फैक्टर है, इट मींस ये भी इसका फैक्टर है, दिस इज आल्सो द फैक्टर ऑफ दिस, क्योंकि ये बीच वाला डिविडेंड कैसे मिलता है, दिस इनटू दिस प्लस दिस, सही सर? सो gx विल बी, देयरफॉर gx इज 3x² + 6x + 3। इसके फैक्टर कर लेते हैं और बाद में इसके जीरोस निकाल लेंगे, ठीक है सर? यस, तो क्या होगा इसका फैक्टर सर, 3 × 3 = 9, 9। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 9 आना चाहिए और दोनों नंबर को ऐड करने पर 6, कौन सा नंबर है 3, 3, तो लिखूंगा यहां से दिस इज 3x² + 3x + 3x, दोनों को मल्टीप्लाई करो 9x², दोनों को ऐड करो 6x + 3, क्या कॉमन ले लो इन दोनों में से 3x, क्या बचा x, इसके पास 1, इसे एज इट इज कॉपी कर लो, दिस इज x + 1, लॉजिक लगा दे, x में क्या मल्टीप्लाई करो 3x, तो +3, तो क्या होगा बच्चों, वन फैक्टर इज x + 1 एंड अनदर फैक्टर इज 3x + 3। अगर मुझे जीरो चाहिए, इट इज नॉट विजिबल हियर, अगर आपको जीरो चाहिए तो क्या होगा बच्चों, तो ये होगा मेरे पास में, वन फैक्टर इज 3x + 3 एंड अनदर फैक्टर इज x + 1। जीरोस के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर जीरोस इसे जीरो करना पड़ेगा, दिस इज 3x + 3 × x + 1 = 0, दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पर 0, इसका मतलब ये भी 0 और ये भी 0, सो 3x + 3 = 0 एंड x + 1 = 0, x की वैल्यू -1 एंड यहां से भी मुझे क्या मिलेगा 3x = -3, x = -3/3 एंड दिस विल बी -1, तो दोनों जगह से रूट कितना मिला सर मेरे को, -1, रूट को ही 0 कहते हैं यहां पे, सही है सर? एक जीरो था 5√3 माइनस 5√, दोनों का आपके पास में रूट था, तो दूसरा -1 एंड -1, ठीक है सर? यस, कॉपी कर लेंगे इसे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, लेट्स सी, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, कह रहे हैं ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल gx, ओके चलो लिखते हैं, एक पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल में डिवाइड किया जा रहा है, यस, एक पॉलिनोमियल है मेरे पास में, ये गिवन है, दिस इज x³ - 3x², उसके बाद में x + 2, इसमें डिवाइड किया जा रहा है gx पॉलिनोमियल से, कोई पॉलिनोमियल है और कह रहा है विच सेटिस्फाई, सॉरी कोसेंट इज इक्वल्स टू आपके पास में x - 2, कोसेंट x - 2, रिमाइंडर कितना बच रहा है सर हमारे पास में, रिमाइंडर इज -2x - 2x + 4, देन फाइंड gx, gx क्या होगा? अच्छा बताओ ना सर, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप होता है क्या, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में और इसके बीच में? हाँ सर, क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, यहां से लिखेंगे, वी नो दैट क्या पता है डिविडेंड ये किसके इक्वल होता है, दिस इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस में क्या सर, रिमाइंडर, ठीक है? यस, तो आपके पास में डिविडेंड जो है कॉपी करो, दिस इज x³ - 3x² + x + 2 इज इक्वल्स टू, डिवाइजर कौन है gx, कोसेंट क्या आपके पास में, दिस इज x - 2, रिमाइंडर क्या है सर हमारे पास में, रिमाइंडर इज प्लस, यहां से -2x + 4, सही? यस, अब देखो क्या करना है, मुझे gx कैलकुलेट करना है,
gx के साथ में ये मल्टीप्लाई है, इसको मैं पकड़ के रखूंगा, पहले इस नंबर को मैं दूसरी साइड भेजूंगा, यहां पे माइनस है वो दूसरी साइड में जाके प्लस होगा, ये प्लस है दूसरी साइड में माइनस होगा, तो ये दिस कैन बी रिटन एज x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, वहां से आया माइनस तो प्लस 2x प्लस 4 इधर माइनस 4 इज इक्वल टू gx * x माइनस 2। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x³ वाला एक ही है, x³ लिखा, x² वाला यही है, दिस इज x² लेकिन x वाला ये दोनों है, x plus 2x, this will be plus 3x, minus 4 plus 2, this is minus 2, is equals to gx into x minus 2, मुझे gx चाहिए, x minus 2 multiply में, x minus 2 से divide कर देंगे, तो ये हो गया आपके पास में, x cube minus 3x square plus 3x minus 2, divided by x minus 2, और ये जो होगा आपके पास में, जो quotient मिलेगा, वही होगा gx, इसे divide करना, और gx की वैल्यू जो आएगी, quotient जो होगा, वो होगा आपके पास में gx, सही है सर? Yes, let's move to another question, division तो कर सकते हैं आप एक, आइए question number 5th की बात करते हैं, question number 5th में क्या कह रहा है, इसे देखते हैं, question number 5th is, yes, कुछ polynomial आपको given है, कुछ इस तरह से, सर अगर हम लोग divide करते हैं, सही है? एक पॉलीनोमियल px है, जिस पॉलीनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं इसे कह दिया gx, ये है आपका cosec, दिस इज qx, और जो रिमाइंडर बच रहा है इसे कह दिया गया rx। एक चीज मैंने आपको बताया था, क्या सर? पहले क्वेश्चन में लिख देता हूं, व्हाट इज क्वेश्चन सर? फर्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है आपके पास में, फर्स्ट वन इज डिग्री ऑफ px इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx, px की डिग्री और qx की डिग्री आपके पास में सेम होनी चाहिए। अच्छा देखो सर यहां से कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो होता है आपका डिवाइजर और ये जो होता है कोसेंट, सॉरी रिमाइंडर, रिमाइंडर की डिग्री क्या होती है? हमेशा स्मॉलर होती है। रिमाइंडर की डिग्री क्या होती है? हमेशा स्मॉलर होती है। किससे सर? डिवाइजर से, ध्यान रखना है, ठीक है सर? यस, कह रहा है कि मुझे px qx gx और rx बताओ, जब मेरे पास में फर्स्ट कंडीशन इज इन दोनों की डिग्री सेम हो, है ना? अच्छा एक एज्यूम करते हैं, क्या सर अगर मैंने कहा कि x स्क्वायर प्लस 3x है और कुछ भी यहां पे है, मुझे किसी से डिवाइड करना है, यहां पे भी x स्क्वायर वाला ही चाहिए, तो कैसे मिलेगा? यहां पर क्या होना चाहिए? तो यहां पे x स्क्वायर वाला आएगा ही आएगा, पावर 2 डिग्री 2 आना चाहिए मेरे पास में। इट मींस यहां पर अगर कोई नंबर होगा तभी तो यहां पर डिग्री 2 वाला आएगा मेरे पास में। यस, अगर ये x वाला हो जाए, सपोज अगर मैंने यहां पे x लिख दिया, तो बताओ x में कितना मल्टीप्लाई करो कि x स्क्वायर x मल्टीप्लाई करें, तो क्या इसकी डिग्री 2 है क्या? नो no, नहीं है ना। यस, तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा? इसकी डिग्री कम करनी पड़ेगी, तो एक कोई नंबर लेना पड़ेगा, तब जाकर के x की डिग्री 2 वाला यहां पे मिलेगा। अगर मैंने यहां पे पावर 3 लिख दिया, अगर पावर 3 वाला है हाईएस्ट पावर, तो यहां पे पावर 3 वाला ही चाहिए, तो उसके लिए भी मुझे यहां पर नंबर ही कंसीडर करना पड़ेगा, सही है ना? यस, तो चलो मैं एज्यूम कर लेता हूं px, और मैं यहां से डिवाइजर एज्यूम करूंगा आपके पास में gx में, लेट्स से px अपनी मर्जी से लिख रहा हूं, लेट px इज इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं, आपने लिखा कि सर x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये लिख दिया, और मैं gx में लिख रहा हूं एक नंबर लिख दिया मैंने, सर अगर मैं यहां से 3 लिखूं तो ज्यादा इजी होगा मेरे लिए, मैंने 3 लिख दिया, ठीक है सर? यस, और 3 से डिवाइड करते हैं, इसी 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? दिस विल बी 3, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 3x स्क्वायर, x स्क्वायर देखो इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2 बनने वाली है, यस, तो ये हो गया आपके पास में 3x स्क्वायर, 3 * x स्क्वायर एक ही था, माइनस 4x माइनस 5, 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे सर? 4x हो जाए, हाँ ये तो मुश्किल है, तो क्या लिखेंगे सर? दिस इज यहां वाला टर्म डिवाइडेड बाय वहां वाला टर्म, यही, दिस इज प्लस 4x डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना बचेगा? दिस विल बी आपके पास में 4x, हाँ 4x ही बचेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 4x बचेगा। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं,
तो ये हो गया आपके पास में माइनस सब्सट्रैक्ट, दिस विल बी माइनस फाइव, है ना सर? यस। इसको डिवाइड कर सकते हैं? यस, अभी भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं कितनी बार में सर? वन टाइम्स में, है ना? आप सोच सकते हो कि फाइव यहां पर कैसे बने, फाइव कैसे बने हमारे पास, बना सकते हो आप, आपकी मर्जी है। तो ये कहां पर, यहां पर क्या लिख सकते हैं सर? यहां पर लिख सकते हैं माइनस फाइव डिवाइड बाई थ्री, है ना? तो यहां से लिख दूंगा माइनस फाइव डिवाइड बाई थ्री, तो ये बचेगा आपके पास में माइनस फाइव, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये होगा रिमाइंडर जीरो, और आपके पास में दिस विल बी आवर क्वोशेंट। इसकी डिग्री चेक करो, डिग्री चेक करो, इसकी डिग्री, डिग्री इसको आपके पास में टू, और उसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री भी कितनी है? टू ही है, तो दोनों से मिल गया। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, यस, px, gx, कोई भी नंबर, qx आपके पास में, rx मैंने जीरो किया, या ठीक है सर? यस, चलो आगे बात करते हैं। आप यहां तक भी छोड़ सकते थे, बट नंबर आ गया, मैंने डिवाइड करके पूरी तरह से रिमाइंडर जीरो लेके आ गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा आपके पास में, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि डिग्री ऑफ, लेट्स सी अबाउट सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स, ठीक है सर? यस। अब इसमें क्या करें हम, यहां पर क्यू एक्स कौन है? जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पास आर एक्स, इन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए हमारे पास में, है ना? इन दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। अच्छा ये सोचो, अगर इसकी डिग्री, यहां पर एक नंबर है, तो वहां पे कौन होगा? एक्स वाला, वन डिग्री वाला भी हो सकता है, टू डिग्री वाला भी हो सकता है, थ्री डिग्री वाला भी हो सकता है, सही है सर? यस। अगर यहां पर एक्स वाला है, इट मीन्स डिग्री वन वाला है, तो वहां पर टू डिग्री का, थ्री डिग्री का, फोर डिग्री का हो सकता है ना? लेकिन वन डिग्री का नहीं होगा वहां पे, सही सर? यस, ध्यान रखेंगे। लेट अस सपोज, अगर इस डिग्री को लीनियर कहा, यहां पे भी अगर मेरे पास में लीनियर चाहिए, अगर यहां पर लीनियर है, यहां पे क्या लेना पड़ेगा? डिग्री टू लेना पड़ेगा। अगर यहां पर डिग्री टू लूंगा, तो यहां पर डिग्री मुझे थ्री लेना पड़ेगा, सही है ना सर? यस। तो यहां पर अगर मैं लीनियर कह दूं, इसको लीनियर कह दूं, तो ये भी लीनियर होगा। कब होगा लीनियर? जब यहां पर टू डिग्री का होगा, सही है सर? और px क्यू थ्री डिग्री का होगा। तो मैंने कहा कि लेट आपके पास में px इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, कुछ भी लिख दिया अपनी मर्जी से, सही है सर? यस। और gx को मैं लिखूंगा टू डिग्री का लेता हूं, अगर टू डिग्री का लूंगा, सही है सर? यस। तो टू डिग्री का कंसिडर कर लेता हूं, दिस इज थ्री एक्स स्क्वायर ही कंसिडर कर लेता हूं, सही है? थ्री एक्स स्क्वायर, लेट्स से दिस इज, चलो प्लस फोर ले लिया मैंने, प्लस फोर ले लिया, वेरी इजी हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, अगर मैं डिवाइड करूंगा थ्री एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, डिवाइड करो इससे, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, वन टाइम्स में सर, इसमें कितना मल्टीप्लाई करो कि एक्स क्यूब हो जाए x, तो ये हो गया आपके पास में, दिस इज थ्री एक्स क्यूब, इससे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, होगा आपके पास में प्लस फोर एक्स, सब्सट्रैक्ट कर लिया, माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, ये बचा आपके पास में फोर एक्स स्क्वायर, यहां पे बचा माइनस सेवन एक्स प्लस फोर, इसकी डिग्री टू, इसकी डिग्री टू, अभी भी डिवाइड करना पड़ेगा हमें, तो क्या करें सर? इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाए, सर पता नहीं चल रहा है, तो ये लिखूंगा 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 3x स्क्वायर, तो 4 डिवाइड बाय 3, दिस विल बी 4 डिवाइड बाय 3, तो ये होगा आपके पास में 4x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 * 4 16 डिवाइड बाय 3, दिस विल बी 16 डिवाइड बाय 3, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये होगा माइनस, यहां पे माइनस, ये कैंसिल आउट, दिस इज माइनस 7x, 4 माइनस 4 माइनस, यहां लिखता हूं 4 माइनस 16 डिवाइड बाय 3, इसकी डिग्री कितनी हो गई 1, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री कितनी 1, इसका मतलब ये आपके पास में करेक्ट है सर? यस, यही चाहिए था मुझे कि qx की डिग्री, दिस इज qx और rx की डिग्री सेम चाहिए थी, इसलिए मैंने यहां पर लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, लास्ट में क्या कह रहा है, चलो देखते हैं यहां से, लास्ट वन इज सही है सर, लास्ट में कह रहा है कि डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यह है
कि Rx जो होगा एक नंबर होगा कॉन्स्टेंट, इट मीन्स Rx विल बी कॉन्स्टेंट टर्म, Rx विल बी ए कॉन्स्टेंट, देयरफोर Gx जो होना चाहिए जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, Gx must be ए लीनियर, हाँ लीनियर से ज्यादा भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है आपके पास, बट लीनियर होना ही चाहिए, कोई नंबर नहीं ले सकते आपके पास, ठीक है सर? यस, मस्ट बी ए लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है सर? यस, आप एक लीनियर ले लोगे यहां से, मैंने कहा आपके पास में Gx इज इक्वल टू, मैंने कह दिया आपके पास में x plus 1 और Px को मैंने कह दिया लेट अस सपोज x square minus 3x plus 2, इतना ले लिया, इसे डिवाइड कर लोगे Rx की डिग्री क्या होगी, 0 मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, ठीक है सर? यस, आप कर ले इसे डिवाइड, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। इतना पढ़ने के बाद में आइए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.4 के बारे में। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दैट, वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलीनोमियल बिलो आर देयर देयर जीरो। ये कह रहा है कि ये जितने भी नंबर दे रखे हैं 1, 1, 2, 1 और -2 इस क्यूबिक पॉलीनोमियल के जीरोज हैं, वेरीफाई करो। सेम चीज आपके पास में यहां पे भी 2, 1, 1 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल। सर किसी भी पॉलीनोमियल का जीरो होने का क्या मतलब है कि इस इन तीनों को अगर यहां पे पुट करूं, x की जगह पर अगर 1/2 पुट करूं तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, जीरो। x की जगह पर 1 पुट कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा, x की जगह पर -2 पुट करूं तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है सर? देन ऑल दीस विल बी जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वेरीफाई, पहले इसे वेरीफाई करते हैं। यस, इसके लिए सर इफ x इज इक्वल टू 1/2 देन पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन पॉलीनोमियल, इन द गिवन पॉलीनोमियल, इस पॉलीनोमियल में पुट करते हैं तो क्या होगा, अगर मैं इस पॉलीनोमियल का नाम रख दूं मैं px, तो p 1/2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जानी चाहिए, जीरो के इक्वल आ जानी चाहिए। देन x इज इक्वल टू 1/2 विल बी जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ठीक है सर? यस, देन 1/2 विल बी जीरो ऑफ px। चलो पुट करके देखते हैं यहां पे, तो क्या होगा, 2 1/2 की पावर में 3 प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। लेट्स सॉल्व दिस, दिस विल बी 2 × 1/8 प्लस 1/4, दिस इज माइनस 5/2 प्लस 2। ये कितना होगा सर, ये देखो आपके पास में ये होगा 1/4 के इक्वल में, सो दिस विल बी इक्वल्स 1/4, यहां पे लिखता हूं दिस इज 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5.2 प्लस 2। सर ये क्या होगा, देखो 1/4 प्लस 1/4 तो 2/4, क्योंकि दो बार आया, इसको अगर मैं कह दूं तोता प्लस तोता, कितने तोता, दो तोता, तोता कौन, 1/4, तो ये हो गया आपके पास में 2 × 1/4 माइनस 5/2 को क्या लिख सकता हूं, क्या माइनस 2.5 लिख दूं इसे, यस, प्लस में आपके पास में 2, तो ये होगा आपके पास में दिस इज 1/2 माइनस 2.5 प्लस 2। 1/2 का मतलब है 0.5 प्लस में, तो 0.5 प्लस 2 2.5 माइनस 2.5, ये कितना होगा, जीरो। इसका मतलब है कि ये पॉलीनोमियल क्या हो गया सर, जीरो हो गया, कब, जब x की जगह पर 1/2 पुट करा, हेंस 1/2 इज जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल, वेरीफाई हो गया। सिमिलरली वी विल पुट द वैल्यू ऑफ 1, x इज इक्वल टू 1, After that we will put x is equals to minus 2. आइए put करके देखते हैं इसे। तो first root 0 verify हो गया। अब यहाँ पर क्या put करूँगा? x is equals to 1. चलो put करके देखते हैं। When x is equals to 1, तो p 1 will be equals to 2 1 cube plus 1 square minus 5 1 plus 2. Let's solve. This is 2 plus 1 square 1. 5 into 1 minus 5. This is plus 2. देखो कितना है सर मेरे पास, 2 plus 1 3 3 plus 2 5 5 minus 5 equals to 0। इसका मतलब p1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इट मींस 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल।
सिमिलरली यहां पे हम लोग नेक्स्ट पुट करेंगे x की जगह पर माइनस टू, ठीक है सर? यस, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस टू, लेट्स पुट इट सर, p माइनस टू इज इक्वल टू टू इंटू माइनस टू क्यू प्लस माइनस टू स्क्वायर माइनस फाइव इंटू माइनस टू प्लस टू, एंड दिस कैन बी रिटन एज, देखो माइनस टू की पावर थ्री माइनस एट, माइनस एट इंटू टू माइनस सिक्सटीन प्लस माइनस टू स्क्वायर प्लस फोर, क्योंकि स्क्वायर है माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये हो गया आपके पास में प्लस फोर, ये होगा आपके पास में माइनस इंटू माइनस प्लस, फाइव इंटू टू टेन प्लस टू माइनस सिक्सटीन, और इन सबको ऐड करो सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन विल बी इक्वल टू जीरो, है ना सर? यस, मेरे पास में कितना आ गया जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि 1.2, 1 और माइनस टू आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल, हेंस वेरीफाइड। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है वो चेक करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन में ही सेम चीज हम लोग उसके लिए भी करेंगे। इसी में कह रहा है आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। तो सर ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है, क्या पढ़ाया था मैंने रिलेशन, कि अगर इसके तीन जीरो हो, एक जीरो का नाम देते हैं अल्फा, दूसरे का नाम बीटा और तीसरे का नाम गामा, इसके तीन जीरोस हैं, सही है सर? नॉर्मली सोचो इसके तीन बेटे हैं क्यूबिक के, जहां जहां पर इसको डुबा देगा तीनों डुबाएगा इसे, सही है सर? तो क्या होगा आपके पास में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है सर, याद है आपको ए बी सी? तो चलो मैं यहां लिखता हूं सर, आपके पास में क्या होगा, ए इक्वल्स टू क्या है, x cube का coefficient this is 2, b is plus 2, x square का coefficient this is 1, और c is plus 2, x का coefficient this is minus 5, and d is plus 2 plus 2. ये क्या formula होता है, alpha plus beta plus gamma, this is equals to minus b divided by a, यह सभी में divided by a होता है। तो क्या होगा यहां से सर, चलो चेक करते हैं, इसकी वैल्यू माइनस, b की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 2, दिस इज 1/2, ये आया -1/2। अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में -1/2, अल्फा बीटा गामा कौन है, ये सबको ऐड करके चेक करो, ठीक है? यस, अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 और गामा इज इक्वल टू -2। चलो ऐड कर लेते हैं, 1/2 + 1 -2, ये कितना हो गया सर, देखो ना, 1/2 plus 1, 3/2, this is 3/2 minus 2, 3/2 का मतलब है 1.5, minus 2, this is minus 1/2, आ गया मेरे पास में, hence verify, एक चीज तो verify हो गया, दूसरा भी verify होना चाहिए, दूसरा relation क्या है, हाँ अब दोनों का multiplication, alpha into beta, yes, alpha into beta plus, बीटा इंटू गामा, ये सेकंड केस आपके पास है, बीटा इंटू गामा क्या होगा, यस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा ये किसके इक्वल, पहले देखो नीचे में क्या a, पहले यहां पे माइनस अब के बाद में प्लस, b b के बाद में कौन सा c अपॉन a, ठीक है सर? चलो c को देखते हैं, c कौन है -5, a कौन है सर, a इज इक्वल टू 2, देखो a इज इक्वल टू 2, हां अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो क्या इसके इक्वल आएगा, हाँ, अगर आएगा तो इसका मतलब सही है, चलो चेक कर लेते हैं इसे कि ये क्या होगा, चेक करें सर, यहां पे इसका आंसर लिखता हूं, दिस इज -5.2, लेट्स चेक इट, ये देखो अल्फा किसको कहा था 1/2, दिस इज 1/2 इनटू बीटा कहा था 1 को, यस दैट इज क्लोज प्लस, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू -2 प्लस, गामा इज इक्वल टू -2 एंड अल्फा इज इक्वल टू 1/2, सॉल्व दिस सर, 1/2 इनटू 1 दिस इज 1/2, this will be -2 and this is -1, sahi hai sir? Yes, to dekho na sir ye kya hai, this is written as 1/2 -3, sahi hai sir? Yes, agar isko solve karoge lcm lekar ke to lcm hoga 2 aur yahan se aapke paas mein kitna sir 1 aur ye aapke paas mein 6, this will be -5/2, kya both are equal? Yes, hence this is verified, theek hai sir? Yes, ab last mein kya, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो चलो इसको भी चेक कर लेते हैं क्या होता है मेरे पास में, थर्ड वन इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या होता है नीचे a, ऊपर में a b c d, a तो आ गया माइनस b प्लस c माइनस d, ओके एक को छोड़ दे, एक प्लस लगा, माइनस लगा, पहले माइनस फिर माइनस नहीं फिर बाद में माइनस,
सही सर। चलो इसको चेक कर लेते, माइनस अपनी मर्जी से d की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है 2, कितना है माइनस 2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हुआ माइनस 1। तो चेक करते हैं इसको, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस 1 होता है, आइए चेक करते हैं इसको, मिटा दो सर। यस इसे मैं मिटा रहा हूं आपके पास, तो ये क्या होगा आपके लिए, लेट्स टेक इट, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा की वैल्यू दिस इज 1 अपॉन 2, बीटा इज इक्वल्स टू 1 और गामा इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो माइनस 2 से 2 कट गया आपके पास, कितना बचा सर माइनस 1, क्या ये दोनों सही है क्या? यस, हेंस वेरीफाइड। तो सेम चीज हम लोग इसके लिए भी करें, आप कर सकते हैं, ठीक है सर। सॉरी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें देखते क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, यस, फॉर ए क्यूबिक पॉलीनोमियल विद द सम, कह रहा है कि सम किसका सर, जीरोस का सम, यस गिवन आपके पास में, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप क्वेश्चन देखेंगे बुक में, कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक क्यूबिक पॉलीनोमियल का गिवन है, कितना है जो फर्स्ट में है 2, उसके बाद में दूसरा कह रहा है आपके पास में कि सर अल्फा इंटू बीटा, यस, प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू आपके पास में अल्फा, यस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एट ए टाइम, मैंने बोला था देखो सम ऐड किया गया, मींस सम किसको ऐड किया गया, दोनों के प्रोडक्ट करने के बाद में, सो दिस इज नोन एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट ए टाइम, तो ये किसके इक्वल होता है सर, यस ये इसके इक्वल गिवन है आपको, दिस इज माइनस ऑफ 7 और लास्ट में गिवन है प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरो इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू आपके पास में माइनस ऑफ 14, देन राइट क्यूबिक पॉलीनोमियल, सो व्हाट इज क्यूबिक पॉलीनोमियल हियर, क्या होता है, यस, तो इसमें क्यूबिक पॉलीनोमियल लिखेंगे सर, यहां से क्यूबिक पॉलीनोमियल मैं आपको बताता हूं कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या लिखते थे सर, देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग लिखते थे सर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस में अल्फा इंटू बीटा लिखते थे यहां पर, हाँ अल्फा बीटा क्या होता था क्वाड्रेटिक का रूट यानी कि जीरो, तो यहां पे भी मेरे पास में, हाँ बाहर में क्या कह सकते हैं, बाहर भी क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो यहां पे क्या होगा सर हमारे पास में कि अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो बाहर में के यहां पे क्या एक्स क्यूब माइनस माइनस से स्टार्ट करेंगे, यहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस के बाद में प्लस, दिस इज प्लस, अब कौन, दिस विल बी अल्फा बीटा, हाँ बीच वाला जो आ रहा है आपके पास में, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस, तो लास्ट में क्या सर माइनस कौन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दिस इज द इक्वेशन, नो लेट्स पुट ऑल दीज वैल्यू, सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो मेरे पास में क्यूबिक पॉलीनोमियल होगा इज इक्वल्स टू के एक्स क्यूब माइनस, इसकी वैल्यू गिवन है 2 एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी वैल्यू गिवन है आपको माइनस 7, तो ये हो गया आपके पास में माइनस 7 एक्स, लास्ट में क्या है माइनस, इसकी वैल्यू गिवन है माइनस 14, दिस इज माइनस 14, दिस इज आवर पॉलीनोमियल, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, दिस इज आवर के, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, यहां पे आपके पास में माइनस 7x प्लस में आपके पास में 14, के क्या है, के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो यहां पे कहूंगा कि के जो है के इज एनी रियल नंबर, सर इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कि के बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, ठीक है सर, यस, तो कॉपी कर लेंगे यहां से, तो क्यूबिक पॉलीनोमियल हमें मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं सर, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है एक क्यूबिक पॉलीनोमियल गिवन है, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इसमें कह रहा है कि a माइनस b एंड a प्लस b आर द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलीनोमियल, देन फाइंड a एंड b, ये तीनों क्या है जीरोस, किसके जीरोस है इसके, अच्छा जीरोस को क्या क्या कहते थे याद है आपको, हम लोग कहते थे अल्फा बीटा और गामा,
तो इसमें से अल्फा किसी एक को अज्यूम कर लिया, इसको कह दिया अल्फा, इसे कह दिया मैंने बीटा, इसे कह दिया मैंने धाम, सही है सर? यस। तो यहां पे देखो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला कहता है नीचे ए लगाओ, यहां पे सर माइनस लगाओ, और इसका कोफिशिएंट देखो माइनस बी अपॉन ए। तो क्या है यहां पे, ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस 3, सो दिस विल बी इक्वल टू 3। अल्फा कौन है सर, ए माइनस बी, दिस इज ए माइनस बी प्लस, बीटा कौन है सर ए, गामा कौन है सर ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। इसमें से देखो माइनस बी ने प्लस बी को कट किया, ए प्लस ए दिस इज 3 ए इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड आंसर ए इज आपके पास में 1। हां ए की वैल्यू आ गई 1। अब b भी कैलकुलेट करना है हमें, तो कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए सर मेरे पास में दूसरा रिलेशन यूज करते हैं। हाउ टू यूज अनदर रिलेशन, लेट्स सी। तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है सर, तीनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है, दिस इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू लास्ट, नीचे क्या a, लास्ट में क्या माइनस, स्टार्टिंग में माइनस लास्ट में माइनस, और d, सही है सर। लेट्स सी ए क्या है 1, डी क्या है माइनस, तो फॉर्मूला में डी की वैल्यू 1, देखो यहां पे 1 आपके पास में प्लस 1 है तो लिख दिया मैंने, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1। एक अल्फा कौन है सर, अल्फा इज ए माइनस बी, बीटा कौन है ए, और गामा कौन है सर, देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ए की वैल्यू कितनी आई 1, तो ए की जगह पर 1 पुट कर देते हैं, तो क्या होगा 1 माइनस बी 1, 1 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1। अब बताओ ना सर, इसमें मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही मिलेगा, सो दिस विल बी 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1। दोनों को मल्टीप्लाई करो, ओ सर यहां से तो एक फॉर्मूला दिखा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a square minus b square, so we will use the formula a square 1 square 1 minus b square, this is b square is equals to minus 1। मुझे b calculate करना है, b को पकड़ के रखूंगा, ठीक है सर, तो so ये होगा आपके पास में, इस नंबर को दूसरी साइड, इसके पीछे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, दिस इज माइनस b square, पहले से माइनस 1 यहां पे ऑलरेडी है, वो और आया माइनस 1, माइनस 2 दिस इज माइनस b square, माइनस से माइनस कट गया, कितना होगा सर b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। तो b की भी वैल्यू आपके पास आ गई कि प्लस 2 रूट 2 एंड माइनस रूट 2, बोथ आर द आंसर, ठीक है सर। यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर एक और चीज देखो इसमें, a माइनस b, a और a प्लस b, आपने पढ़ा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें क्या होता है, अगर फर्स्ट टर्म मेरे पास में a है तो आगे वाला टर्म क्या होता है, a प्लस डी, इफ d इज कॉमन डिफरेंस, इसके बाद वाला टर्म होता है a प्लस 2b, इसके बाद वाला टर्म होता है a प्लस 2b, कितना ज्यादा होता जा रहा है d, इसमें d ऐड करते जा रहे हैं, d ऐड करते जा रहे हैं, है ना। यस yes. इसका मतलब इसके पहले क्या होगा, a माइनस d, इसमें d ऐड करूंगा तो a मिलेगा, देखो ना सर a माइनस d में अगर मैं d ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, या फिर कह दो कि सर a प्लस डी में क्या करो कि पीछे वाला मिल जाए, d घटा दो यहां पर माइनस कर दो, यस, तो इसके पीछे क्या मिलेगा, इस वाले में d माइनस कर दिया, ये मिल गया, है कि नहीं सर। यस, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, इसमें सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसके अगर पीछे की बात करूं तो a माइनस 2d, सही है सर। यस, दिस इज ऑल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, किसमें, a पे, इसमें से तीन टर्म देखो, ये जब कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थ्री टर्म्स के बारे में बात करें तो आप अपनी मर्जी से ये टर्म एज्यूम कर लोगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, क्यों सर, क्योंकि अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा, देखो a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, d से d कट गया तो ये हो जाएगा आपके पास में 3a, और इसको सॉल्व करना इजी होगा, वेरी सिंपल एंड इजी, ठीक है सर। यस, अब देखो यहां पर सेम चीज, मेरे पास में जो रूट दिया हुआ था, आपके पास में जीरोस दिया हुआ था, a माइनस बी, दूसरा a, दूसरा था a प्लस बी, इसका मतलब ये तीनों किस में थे,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये गिवन है, ठीक है सर, आर इन ए पी, आर इन ए पी, यस। आपको यहां पर क्वेश्चन में अगर कहता इफ ऑल थ्री जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल आर इन ए पी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन फाइंड ऑल जीरोस, तो वहां से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, जैसे कि ए और बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है सर, यस। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं फोर्थ की बात करूं, यस सर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमने कर रखा है, तीन चार क्वेश्चन इस पे बेस्ड करा हूं, रूट वाला, फोर जीरोस होंगे जिसके, सही है सर, दो दो जीरोस गिवन थे, दो जीरो फाइंड आउट करना था। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यस, तो कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल है, कह रहा है इफ द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय द पॉलिनोमियल है, ठीक है, यस, कह रहा है एक पॉलिनोमियल गिवन आपके पास में, क्या x to the power 4, यहां से मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूं, x to the power 4 minus 6x cube plus में 16x square minus 25x plus 10 is divided by a polynomial x square minus 2x plus k, इससे डिवाइड कर रहा है, तब जा करके जो है इसका क्या कह रहा था आपके पास में, रिमाइंडर कम्स टू x plus a, रिमाइंडर कितना आता है, लास्ट में जो बचेगा आपके पास में वो कह रहा है x plus a होगा, तो देन फाइंड a के बारे में तो पता नहीं है, कह रहा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, एंड यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज है k, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड k, अब रिमाइंडर लाना पड़ेगा मुझे, रिमाइंडर कैसे लाऊं, पहले डिवाइड करना पड़ेगा, लेट्स डिवाइड एंड फाइंड द रिमाइंडर, सर इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 2, तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी, 1, देखो 1 डिग्री में है x में, यस, तो हमारे पास में भी 1 डिग्री में रिमाइंडर मिलेगा, आराम से डिवाइड करते हैं, कोई भी जल्दीबाजी नहीं, ठीक है सर, आइए लेट्स डिवाइड दिस पॉलिनोमियल x स्क्वायर, यहां पे x की पावर 4, इसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे, ये x की, देखो यहां से x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, x स्क्वायर टाइम्स में दिस इज x स्क्वायर, सो आई विल राइट x स्क्वायर हियर, this will be x to the power 4, इस बगल वाले को उससे मल्टीप्लाई करो, तो कितना सर minus 2x into x square, कितना होगा minus 2x cube, x cube वाले के सामने में लिखूंगा, this is minus 2x cube, subtract them, minus plus, they cancel out हो गया, ये दोनों क्या होगा, ये minus वाला, ये plus वाला, तो ये बचा minus 4x cube, इसको नीचे लेके आ गया, this is plus 16x square minus 25x plus 10, आप पूरा लिख सकते हो और ऊपर वाले का साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सही है सर, आइए डिवाइड करते हैं फिर से, इससे इसमें डिवाइड करना, चलो इधर लिख देता हूं, मैंने कहा माइनस फोर एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर को कट करेगा, बचेगा एक्स, तो ये हो गया माइनस फोर एक्स, तो यहां पर लिखूंगा माइनस फोर एक्स, ये जो भी है एज इट इज यही लिख दो माइनस फोर एक्स क्यूब, क्यों, क्योंकि इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा, अब पास में बचा सर, हाँ एक और चीज सर, एक और चीज हमने मिस्टेक कर दी, ये बगल वाला भी मल्टीप्लाई करना था, माइनस फोर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये होगा माइनस फोर के एक्स, कितना होगा सर, ये फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं, के को मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज के मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर एक्स, सो दिस विल बी माइनस फोर के एक्स, एक्स के साथ में एक्स वाले के नीचे लिखूंगा, एक्स वाला यहां पे है, सो दिस विल बी माइनस फोर के एक्स, सब्सट्रैक्ट कर लो अब यहां से, ये प्लस हो गया, तो ये तो कट गया, ये बचा था आपके पास में माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस 16x स्क्वायर, इसमें बताओ दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहां पे प्लस है, चलो मैंने x को कॉमन ले लिया प्लस में, तो प्लस वाला कॉमन लिया, तो मैं प्लस वाले नंबर को पहले लिखूंगा, माइनस वाले को बाद में लिखूंगा, ठीक है सर, यस, क्योंकि यहां पे मैंने प्लस लिखा है, अब लास्ट में क्या बचा सर हमारे पास, लास्ट में प्लस 10 बचा, सही है सर, यस, अब नेक्स्ट टर्म में 4x क्यूब चाहिए, तो मैं माइनस 4x से करूंगा यहां पे सर, अरे सर फिर से मैंने गलती कर दी ना सर, ऊपर देखो एक मिनट सर, देखो यहां से ये तो बाद वाला टर्म था, फर्स्ट टाइम में kx स्क्वायर, सॉरी सर दिस विल बी kx स्क्वायर, सेकंड टाइम आई मेड अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन,
ठीक है, यस दिस विल बी माइनस फोर एक्स क्यूब एंड दिस इज रिटन एज प्लस, यहां पे माइनस साइन, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर आई टेक कॉमन एंड दिस विल बी 16 माइनस के, ठीक है 16 माइनस के, हियर आई टू प्लस इज कॉमन, सो प्लस वाला पहले एंड माइनस वाला बाद में, अब की बार में स्टेप नहीं करना है, दिस इज माइनस 25x प्लस 10, सही है सर, यस, अब सेकंड टाइम में यहां पे कितना होगा माइनस 4x, नेक्स्ट टाइम में माइनस 4x निकलेगा, तो क्या हो गया यहां पे एज इज माइनस 4x क्यूब, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 4x से, माइनस 2x इनटू माइनस 4x, माइनस इनटू माइनस प्लस, 2 इनटू 4 8x इनटू 8x स्क्वायर, x इनटू x x स्क्वायर, x स्क्वायर के सामने कितना सर प्लस x स्क्वायर और मैं यहां पे 8 लिख देता हूं, इसको जस्ट रिवर्स करके लिख दिया और कुछ भी नहीं, अब k के साथ भी करना पड़ेगा उससे मल्टीप्लाई, दैट विल बी k इनटू माइनस 4x, तो ये हो गया आपके पास माइनस 4kx, x वाले के पास में दिस इज माइनस 4kx, लेट्स सब्सट्रैक्ट इट, यहां पे प्लस ये हो गया माइनस ये हो गया प्लस, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, इसमें से बताओ सर इनमें से कॉमन ले लू x स्क्वायर, अगर मैं x स्क्वायर प्लस वाला कॉमन लेता हूं तो यहां पे क्या होगा, पहले ये 16 माइनस के बाद में माइनस 8, अब यहां से किसको कॉमन लू, अगर मैं x प्लस कॉमन लेता हूं, दिस इज मैंने कहा x, तो ये होगा आपके पास में माइनस 20, सॉरी पहले प्लस वाला, दिस इज प्लस 4k, after that we will write minus 25 and then plus 10, sahi hai sir, yes ye pehle se tha, ise main erase kar deta hu, ab dekho sir mujhe kya chahiye, ye wala term, ye kaun hai, agar dekho 16 minus 8 kitna hota hai 8, sahi hai sir, isko next term mein likhte hain yahan se 8, yes to yahan se main likhunga ki x square 16 minus 8 is 8 minus k plus mein x aur aapke paas mein 4k minus 25 plus 10 एज इट इज कॉपी कर लिया, क्योंकि इसमें से मुझे सब्सट्रैक्ट करना था, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, ये नहीं कि 21, नो नो नो, दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट, अब ये कैसे मिलेगा मुझे, इसमें डिवाइड करो फर्स्ट वाले टर्म से, दिस इज x स्क्वायर 8 माइनस k एंड देयर इज x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्या बचा 8 माइनस k, सो हियर विल बी 8 माइनस k, ध्यान रखना सर 8 माइनस k, तो ये लिखूंगा मैं x स्क्वायर 8 माइनस k, इस वाले टर्म को, इस वाले जो स्टेप को मैंने नीचे कॉपी कर रखा है इसको सॉल्व करने के बाद, अब देखो सर नीचे क्या होगा, माइनस 2x को मल्टीप्लाई करूंगा किसके सर 8 माइनस k से, ये क्या देगा x है, इस माइनस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देगा अंदर, तो ये होगा आपके पास में x बाहर, दिस इज माइनस 16 माइनस इनटू माइनस प्लस 2k, तो x वाले टर्म के पास में लिखूंगा, x वाला कहां है यहां पे, तो मैंने लिखा प्लस x, दिस इज 2k माइनस 16 और लास्ट में इसको k के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा, k के साथ मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ k और लास्ट में दिस इज 8 माइनस k, दिस विल गिव अस 8k, दिस इज 8k माइनस k स्क्वायर, इसे लिखूंगा कांस्टेंट के पास में, दिस इज प्लस 8k माइनस k स्क्वायर, अब इसे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं सर, दिस इज आवर माइनस, दिस इज अगेन माइनस, दिस इज विल बी माइनस और यहां पे आपके पास में प्लस, तो ये दोनों को कैंसिल आउट होगा क्योंकि दोनों सेम है, इसमें से देखो x तो x है लेकिन यहां पे और यहां पे डिफरेंट है, ये 25 आपके पास में, इसमें से मैं प्लस x कॉमन लेता हूं, मैंने कहा कि प्लस x कॉमन लिया तो प्लस वाले टर्म को लिखूंगा यहां से, दिस इज 4k माइनस 25, अब यहां पे माइनस माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2k माइनस इनटू माइनस प्लस आपके पास में 16, ठीक है सर, अब नंबर वाले टर्म को लिख लेता हूं, ये प्लस 10 है मैंने लिख दिया प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर एंड दिस इज आवर लास्ट टर्म, अब देखो इसकी डिग्री कितनी 1, उसकी डिग्री कितनी 2, अब डिवाइड होगा क्या 9, तो ये मेरे पास में आया रिमाइंडर, ये पूरा का पूरा जो भी आया रिमाइंडर आया, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर इज x प्लस a, चलो अब मैं इसे मिटा देता हूं, कॉपी कर लेंगे इसे तरीके से, ठीक है सर, यस, अब रिमाइंडर इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर इज, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
remainder is remainder is equals to x plus a और हमारा remainder कितना आया yes चलो अपना remainder को लिखते हैं यहाँ से x plus a question ने कहा कि सर x plus a है तो हमारा भी तो x plus a ही आना चाहिए लेकिन आया नहीं क्या आया इसके पास में लिखते हैं is equals to x x का coefficient लिखो इसमें से इसको combine कर दें k वाले को k वाले के साथ में this is 4k minus 2k plus 2k this will give us 2k minus 625 plus 16 this will give us minus 9 सही है सर yes उसके बाद में ये last वाला देखो ये क्या given है आपके पास में plus 10 और उसके बाद में minus 8k plus आपके पास में k square दोनों को compare करेंगे इसमें x का coefficient कितना है सर Coefficient of x is x के पीछे 1 है यहां पे x के साथ में कौन है सर ये है दोनों इक्वल करो कंपेयरिंग coefficient of x तो x का coefficient 1 is equals to वहां पे दिस इज 2k minus 1 9 मुझे k फाइंड आउट करना है k अननोन है यहां पे 9 भी पता है 1 भी पता है 2 भी पता है क्या नहीं पता k तो मुझे ये फाइंड आउट करना है इस पे टारगेट करना इस नंबर को भेज दो दूसरी साइड माइनस से इस साइड पे जाकर के प्लस दिस इज 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 2k दिस विल बी 10 इज इक्वल टू 2k k फाइंड आउट करना है 2 मल्टीप्लाई है 2 से डिवाइड दिस इज 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू k हेंस k इज इक्वल टू कितना आ गया सर 5 के इक्वल आ गया 10 डिवाइड बाय 2 5 दिस इज 5 इज इक्वल टू k इट मींस k इज इक्वल टू 5 यस अब देखो सर क्या आ गया मेरे पास में x के बाद वाला जो टर्म है वो क्या है a यहां पे कौन है सर ये पूरा का पूरा a के ही इक्वल है x प्लस प्लस के बाद वाला जो टर्म है वो a है इसका मतलब ये a है therefore a is equals to 10 minus 8k plus k square so how to find the value of a 10 मालूम 8 मालूम k मालूम हां k भी मालूम हो गया तो चलो k की वैल्यू पुट कर देते हैं सही है सर तो मैं कहूंगा आपके पास में पुट k इज इक्वल टू 5 तो a विल बी इक्वल टू 10 माइनस 8 इनटू 5 प्लस 5 स्क्वायर तो ये कितना होगा सर देख लो दिस कैन बी रिटन एज दिस इज आवर 10 माइनस 40 प्लस 25 प्लस में ये 10 प्लस में दिस इज 35 माइनस 40 विल गिव अस माइनस 5 सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ गई सर माइनस ऑफ 5 सो दिस इज आवर आंसर तो पैसेज झलक करके आपको सही तरीके से सॉल्व करना है ठीक है सर घबराना नहीं है एक एक स्टेप को ध्यान में रखना है चलिए एक दो क्वेश्चन और आपको मैं दिखाता हूं यहां से काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं कुछ एडिशनल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं काफी इंटरेस्टिंग आपके ओलंपियाड्स वगैरह में क्वेश्चंस आ सकते हैं कह रहा है क्वेश्चन इज टू जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल टू जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस में 3x² माइनस बी एक्स माइनस 6 आर माइनस 1 एंड माइनस 2 माइनस 1 एंड माइनस 2 फाइंड थर्ड जीरो एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है a एंड b b की वैल्यू ठीक है सर a एंड b सर दो जीरोस गिवन इस क्यूबिक पॉलीनोमियल का क्या मतलब है कि इसको -1 को यहां पे पुट करो तो क्या हो जाएगा 0 -2 को पुट करो तो क्या हो जाएगा 0 यस तो यहां से मैं पुट करता हूं पहले लिखूंगा कि -1 सॉल्यूशन है -1 इज द जीरो ऑफ इज 1 0 of ax cube plus 3x² minus bx minus 6 इसका मतलब है कि x की जगह पर -1 पुट करने पर ये क्या होगा 0 ध्यान रखना आप लिख सकते हो so after putting the value of x is equals to -1 this polynomial will becomes 0 तो लेट्स पुट द वैल्यू एंड लेट्स राइट इट 0 इसको मैं अगर मैं px लिख दूं तो कोई दर्दनाक कहानी नहीं
सही है सर? यस। तो p ऑफ माइनस वन विल बी जीरो। p1 माइनस वन क्या होगा, x की जगह पर माइनस वन पुट कर देते हैं। तो सर a माइनस वन क्यूब प्लस थ्री माइनस वन स्क्वायर प्लस नॉट प्लस माइनस b इंटू माइनस वन माइनस सिक्स इसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल। लेट्स सॉल्व दिस। सही है सर? यस। एक तो ये हो गया। अगर मेरे पास में दूसरा कि माइनस टू भी जीरो होगा, इसका मतलब p ऑफ माइनस टू ये भी क्या होगा, जीरो। तो x की जगह पर ये भी पुट करूंगा। चलो पुट कर लेते हैं, माइनस टू क्यूब प्लस थ्री माइनस टू स्क्वायर माइनस बी माइनस टू माइनस सिक्स इसके इक्वल जीरो। दोनों को सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस। माइनस वन क्यूब माइनस ए इंटू माइनस वन माइनस ए माइनस वन स्क्वायर प्लस वन प्लस वन इंटू थ्री दिस इज प्लस थ्री माइनस इंटू माइनस प्लस बी माइनस सिक्स इज प्लस टू जीरो। यहां पर क्या होगा, दो नंबर है, सिक्स माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री को दूसरी साइड प्लस थ्री, तो यहां पे बचा मेरे पास में माइनस ए प्लस बी इज प्लस टू प्लस थ्री। सही है सर? एक इक्वेशन मेरे पास में आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस टू क्यूब माइनस एट दिस विल बी माइनस ऑफ एट टू स्क्वायर फोर फोर इंटू थ्री प्लस ट्वेल्व माइनस इंटू माइनस प्लस टू इंटू बी दिस इज टू बी माइनस सिक्स इज प्लस टू जीरो। नंबर देखो मेरे पास में ये नंबर है और ये 12 माइनस 6 6 6 को दूसरी साइड भेज दो माइनस 6 सो दिस विल बी माइनस 8 प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6। सही है सर? माइनस 6 यस माइनस ऑफ 6 क्योंकि 12 और माइनस 6 प्लस 6 इसको दूसरी साइड भेज दिया तो ये हो गया। ये मेरे पास में सेकंड इक्वेशन बन गया। मुझे a और b दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये और ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दो। यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेट्स सॉल्व दिस। सर बी में देखो टू मल्टीप्लाई है, वहां पे बी में क्या मल्टीप्लाई है, वन। तो इस वाले इक्वेशन में टू मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन पर टू मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन वन इंटू टू दिस विल बी माइनस टू ए प्लस टू बी इज इक्वल्स टू सिक्स। इसको इक्वेशन कह दिया मैंने थर्ड। अगर इस इक्वेशन में उस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो ये दोनों कट जाएगा। सही सर? तो यहां से मैं लिखता हूं ऑपरेट। ऑपरेट क्या ऑपरेट, थर्ड इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। ठीक है सर? यस। इसको थर्ड लिखना है तो इस तरह से लिख दो थर्ड, कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द ना कहा नहीं सर। थर्ड इक्वेशन पहले लिखूंगा माइनस टू ए प्लस टू बी इज इक्वल्स टू सिक्स। इसको माइनस करना माइनस एट ए प्लस टू बी इज इक्वल्स टू माइनस सिक्स, तो माइनस कर लेते हैं। लेट्स राइट हियर प्लस दिस विल बी माइनस दिस विल बी प्लस। ये दोनों कट गया, एट ए प्लस ए माइनस टू ए दिस विल बी सिक्स ए। इज इट विजिबल देयर, सिक्स ए इज विजिबल देयर? नो। ओके इट्स विजिबल देयर। ओके राइट डाउन, सिक्स ए इज इक्वल टू सिक्स प्लस सिक्स विल बी ट्वेल्व। ए फाइंड आउट करना है तो 6 से डिवाइड कर दूंगा, दिस इज a इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू आ गई 2। b फाइंड आउट करना है तो a की वैल्यू यहां पर 2 पुट कर दो, b मिल जाएगा माइनस 2, b इज इक्वल्स टू इस 2 को दूसरी साइड भेजूंगा प्लस होगा तो 3 प्लस 2 कितना होगा 5। यस yes. तो b इज इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा सर 5। यस, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन सेकंड में भी पुट कर सकते हो बट फर्स्ट में पुट करना ज्यादा इजी होगा। मुझे ए और बी मिल गया, अब मुझे तीसरा जीरो भी फाइंड आउट करना है। ठीक है सर? सो व्हाट अबाउट थर्ड जीरो सर? लेट्स सी, ए बी सी मिल गया मुझे। सही है सर? यस। ए बी सॉरी ए बी मिल गया मुझे। ए कितना है आपके पास में, ए इज इक्वल्स टू 2 और बी इज इक्वल्स टू 5। चलो वहां पे पुट कर देते हैं, दिस इज ए की जगह पर 2 पुट करूंगा 2 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह पर 5, दिस इज 5 आपके पास में 5 एक्स माइनस 6। ये इक्वेशन हो गया पॉलिनोमियल का। यस। अब बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। अगर मैं कहूं इसके तीन जीरो अल्फा बीटा गामा, दो जीरोस मालूम है, दिस इज माइनस 1 माइनस 2, तीसरा फाइंड आउट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू नीचे a ऊपर माइनस b, अल्फा की जगह पर माइनस वन प्लस बीटा की जगह पर माइनस टू, ये माइनस टू प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b की जगह पर कौन, हाँ वो वाला b मत पुट करना, अब इसका b पुट करना है 3, दिस इज 3 डिवाइड बाय a की जगह पर 2। इन दोनों को सॉल्व करो, दिस विल बी माइनस 3
प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाय 2। चलो गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। गामा इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाय 2, उस नंबर को इधर लेके आया प्लस 3, इसे सॉल्व कर दो तो ये होगा आपके पास में सर 3 डिवाइड बाय 2 के ऊपर। तो थर्ड जीरो आपके पास में कितना आया 3 डिवाइड बाय 2। सॉल्व करोगे यहां से 3 * 2 6 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, दिस इज 3 डिवाइड बाय 2। सो दिस इज आवर थर्ड जीरो। थर्ड जीरो इज 3 डिवाइड बाय 2। कैसे कैलकुलेट किया? पहले a और b कैलकुलेट कर लिया, a और b की वैल्यू पॉलीनोमियल में मैंने पुट कर दिया, सम ऑफ जीरोस का कंडीशन लगा दिया तो मेरे पास में रिजल्ट आ गया। ठीक है सर, आइए चलिए आज की क्लास में इतना ही बात करते हैं। अगर और क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट में आप लिख करके बताएं, नीड मोर क्वेश्चन सर। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।